दिया, रिवर बोट भी करा दिया। हाँ तो काइनेमेटिक्स 2 मेरे तरफ से खत्म हो गया। बुकलेट से कुछ होमवर्क दिया था? नहीं सर। Yes, हाँ सर दिया था, मॉड्यूल का दिया था, काइनेमेटिक्स 1 में। हाँ क्या दिया था? रेनमैन प्रॉब्लम 51 से 57। रेनमैन 51 से, और रिवर बोट का भी दिया था? नहीं, रिवर बोट का नहीं दिया था। काइनेमेटिक्स 2 मेरी तरफ से खत्म हो गया। अब आप बुकलेट पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बुकलेट आप पूरा नहीं किए होगे अभी तक, तो एक काम करता हूँ, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, इसके डाउट्स अगले लेक्चर में कर दो। केवल बुकलेट सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, तो हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देते हैं नया चैप्टर, और इसका बुकलेट डिस्कशन अभी नहीं, एक वीक के बाद। एक वीक इसलिए क्योंकि बुकलेट में चारों एक्सरसाइज, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत कम है, बट हाँ कर लेना सब, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो सर्कुलर मोशन लेक्चर 1, ठीक है, चलिए। तो सर्कुलर मोशन में जो जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स यूज होते हैं, पहले वो देख लेते हैं, जस्ट नोमेनक्लेचर को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलर काइनेमेटिक वेरिएबल्स, ऐसे समझो। यह है सेंटर, यह है रेडियस, ये मानो रेफरेंस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ए। यहां से कोई पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये हो गया पॉइंट बी। ऐसे गया तो ये हो गया एंगल थीटा। ये जो ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लो एस, एक एक चीज देखो। यहां पर S क्या हो गया? और थीटा क्या हो गया? S क्या है बताओ? R थीटा। यानी S है क्या? S डिस्टेंस है, A से B का डिस्टेंस है। Yes। और थीटा क्या हुआ? एंगुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोशन में डिस्टेंस होता था, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्टेंस है। तो
तो इस लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा? अभी बोला था किसी ने s इज इक्वल टू r थीटा, ये सबको आता है, एंगल का डेफिनेशन है, नया कुछ भी नहीं। यस सर। इस एक्सप्रेशन को दोनों डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होगा। यस सर। इसमें डी एस बाई डी टी क्या होगा? वी 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 मतलब वेलोसिटी नहीं, ds by dt क्या होगा कौन बताएगा? velocity sir, instantaneous velocity नहीं, speed होगा, speed होगा, s distance है ना, तो rate of change in distance को speed कहते हैं, और ओमेगा क्या होगा? एंगुलर स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? याद रहे वी वेलोसिटी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट, अब इस एक्सप्रेशन को दोनों ओर फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसा होगा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो ये डी वी बाई डी टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन नहीं, नहीं होगा, डायरेक्शन लेस। डी वी बाई डी टी क्या होगा? डी वी बाई डी टी में वी तो हो गया आपका रेट ऑफ चेंज इन स्पीड हो गया ना, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और अल्फा हो गया मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हम लोगों ने एक नई चीज सीखी जो काइनेमेटिक्स चैप्टर में जरूरत नहीं रहा था, हम लोग केवल उसमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन देखते थे इसीलिए, बट एक नई चीज सीखने को मिली कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं कि ये सर्कुलर मोशन में है, ये किसी भी मोशन में है।
तो एक नई चीज सीखे, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये याद रखना, ये एक्सेलरेशन तो बिल्कुल नहीं है, नॉट एक्सेलरेशन। जैसे मान लो किसी सर्कुलर पाथ पर कोई 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड में स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, है ना। अगर कोई सर्कुलर पाथ में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड में स्पीड तो कांस्टेंट हो गया ना उसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है। Yes, sir. है ना, तो एक्सेलरेशन कुछ होगा बट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दो अलग अलग चीज है, ठीक है। जल्दी से यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर हो गया हो गया यस सर सबका हो गया आगे बढ़ूं यस सर यस सर तो कुछ और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड कांस्टेंट है ना इसका मतलब हो गया कि अल्फा जीरो है ना तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ आया तो yes. इस केस में क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी यही होगा ना एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी जैसे एक्सेलरेशन जीरो होता था स्ट्रेट लाइन मोशन में तो एस इज इक्वल टू वी इनटू टी होता था आया समझ में यस सर थर्ड अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब अल्फा कांस्टेंट है है ना तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा तो केवल वेरिएबल के साइन ही तो चेंज किए हैं बाकी सब कुछ वही है तो हम ये सब काइनेमेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी के जैसा बोलो यस yes. S is equal to ut plus half at square के जैसा theta is omega t plus half alpha t square लिख सकते हैं और v square is equal to u square plus 2as के जैसा omega square is equal to omega not square plus 2 alpha theta लिख सकते हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है सब कुछ वही है फर्क सिर्फ इतना है कि सिंबल का कि सिंबल चेंज हो गया है तो जैसे उसमें किए थे वही सारा प्रूफ दोबारा से कर सकते हैं ठीक है तो ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं तब जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो कोई दिक्कत नो सर फिर हम लोगों ने देखा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है सो इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज आल्सो नॉट कांस्टेंट तो ऐसे केसेस में क्या करते थे एक्सेलरेशन या तो टाइम का फंक्शन होता था या डिस्टेंस का होता था वेलोसिटी का कुछ होता था इस तरह का तो कैलकुलस यूज करते थे ठीक है तो उस केस में हमारे पास क्या क्या टूल था एक था अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और दूसरा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस याद आ रहा है
यस सर। और इसको यूज करके हम लोग कैलकुलस के हेल्प से जो भी पूछता था निकालते थे। यस सर। ठीक है, तो वही यहाँ भी करेंगे। इन दोनों को कंबाइन टुगेदर जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इन दोनों को कंबाइन टुगेदर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आया समझ में? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता था। स्पीड कांस्टेंट होता था मतलब टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता था। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, दैट इज टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। तो ये दोनों केसेस को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। yes,
हो गया बोलिए हो गया यस सर यस सर ठीक है नेक्स्ट एक और पॉइंट देखो ये हो गया किसी मोमेंट पर मान लो ये हो गया मेरा आर वेक्टर उस मोमेंट पर ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये हो गया मेरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर जस्ट समझने के लिए अगर मैं ऐसे देखूं तो ये हो गया मेरा आर वेक्टर ये हो गया मेरा वी वेक्टर और ये हो गया मेरा ओमेगा वेक्टर ये ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन समझ आया नहीं सर नहीं आया वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो ना ऐसे देखो ये अगर ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो मेरे थंब का डायरेक्शन किधर होगा आउटवर्ड द पेपर होगा यस दिख रहा है मेरा हाथ अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड द पेपर हुआ यही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता तो इनटू द पेपर होता yes. तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस एंटी क्लॉकवाइज को वेक्टर फॉर्म में किधर कहेंगे आउटवर्ड होगा ना आप लोगों को सर ने राइट हैंड स्क्रू रूल सिखाया होगा ना कि अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आता है हाँ सर अच्छा स्केलर रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है v इक्वल टू r ओमेगा अभी ऊपर की ओर ऊपर में पढ़े थे ना v इक्वल टू r ओमेगा यस अच्छा मैं इसके क्रॉसपोंडिंग वेक्टर में रिलेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो v वेलोसिटी है r रेडियस वेक्टर है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर है और राइट हैंड साइड टू वेक्टर का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा यस yes, अब बात आती है कि आर क्रॉस ओमेगा होगा या ओमेगा क्रॉस आर होगा तो देखो इस डायग्राम में आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो वी नीचे आ जाएगा और यही ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो वी ऊपर हो जाएगा बोलो यस सर तो इस वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से ये ओमेगा क्रॉस आर होना चाहिए है ना Yes, sir. तो यहां से मुझे v इक्वल टू r ओमेगा के कोरस्पोंडिंग जो वेक्टर रिलेशन होता है वो मिल गया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r क्लियर यस इसको कॉपी कर लीजिए
लिख लिए, आगे बढ़ो। यस चलो, अब जरा सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स को समझते हैं। सर्कुलर मोशन कहते किसको है बताओ? सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन तो अभी तक मैंने पूछा ही नहीं, बताया भी नहीं। बोलो, सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? कौन बताएगा? बोलो, बताओ सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? बता तो सही। ठीक है छोड़ो, मत बताओ। सर जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अरे ये तो कॉमर्स का बच्चा भी बोल देगा, इसके लिए साइंस फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? बताओ, तुम खुद बोलो। ये मतलब ऐसा लगता है तुम्हें सुनने में कि कोई फिजिक्स और साइंस का बच्चा ये डेफिनेशन बता रहा है? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन, ये कौन सा काम हो गया? ये तो इसके लिए साइंस पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। और कोई? सर जब कोई बॉडी को मतलब कोई फोर्स अट्रैक्ट करता है जो उसके लिए कोई नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स देता है तो तभी वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है? सर द फोर्स दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा चलो, ये सब कुछ कुछ ठीक तो सुनाई दिया मुझे। ठीक है देखते हैं, रुक जाइए, पहले देखते हैं ऐसा क्या होता है, उसके बाद। ये हुआ वेलोसिटी, और ये हुआ इसका पोजीशन। ऐसा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर मालूम है? यूनिट वेक्टर मालूम है? यस सर। यस सर। क्या होता है सर? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाला जो डायरेक्शन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ई आर कैप, और इसको हम लोग बोलते हैं ई टी कैप। मतलब क्या हुआ, देखो जो हम नया डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमने ई आर कैप को बोला यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन।
और एक दूसरा यूनिट वेक्टर डिफाइन, एक दूसरा यूनिट वेक्टर डिफाइन किया ईटी, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इस डायग्राम में ऐसे समझ लो कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ऐसा। तो ये जो ई आर वेक्टर है, ई आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं आई कैप जे कैप में? ये जो ई आर कैप है ये क्या होगा बताओ? आई कैप यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है और इधर है, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप होगा। यस सर। होगा। और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर वन है तो ये यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे? कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये दो यूनिट वेक्टर हो गए रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब हम लोग सर्कुलर मोशन में देखेंगे कि इसका क्या डायनामिक्स है, क्या डेफिनेशन निकल के आता है। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए।
हो गया? यस सर। यस सर। हो गया तो आगे देखिए, सबका हो गया? अब देखो ध्यान से देखना, अब लिखना मत, ज्यादा ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट है, पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो ऐसा होगा आर cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ऐसा होगा? होगा ऐसा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, तो वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट इज dr by dt होगा। यस सर। तो ये हो गया आर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस आर कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का टी के रेस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी टी जे कैप, ऐसा मिलेगा? यस। डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा, सो आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हमारा हो गया वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, सो एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आर तो कांस्टेंट है ही, एक बार ओमेगा को बाहर रखते हैं और बाकी को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन का कॉस और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, कॉस का माइनस साइन और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, अब इस बार बाकी को कांस्टेंट रखते हैं, ओमेगा को डिफरेंशिएट करते हैं, तो प्लस आर, बाकी टर्म को कांस्टेंट रखते हैं तो ये हो गया प्लस आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होगा। यस। तो ये हो गया आर, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाहर, माइनस भी दोनों में है तो माइनस बाहर, ये हो गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसमें फिर आर अल्फा बाहर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, मतलब एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओवर आर, और ये हो गया आर कैप प्लस आर अल्फा, ये हो गया ईटी कैप, हो गया? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सेलरेशन हुआ जिसका डायरेक्शन किधर है, माइनस आर कैप,
और ये एक एक्सेलरेशन हुआ जिसका डायरेक्शन है टेंजेंशियल, तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस सर। और ये एक्सेलरेशन हो गया रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। सर या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है सर, लास्ट का दो लाइन वापस एक बार बता देना ना। ये जो टर्म ए है ये हो गया टोटल एक्सेलरेशन या केबल एक्सेलरेशन। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो सर। लास्ट का जो दो है वो एक और एक बार फिर लास्ट का एक्सप्लेन कर दो ना नीचे। क्या क्या बताना सर? वो आर माइनस आर वी आर वो स्क्वायर है वो डी थीटा बाय डी टी ओमेगा होगा। यस सर। तो ये ओमेगा ये ओमेगा ये ओमेगा बाहर आया तो आर ओमेगा स्क्वायर। यस सर। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस ये भी बाहर आया तो दोनों प्लस हो गया। हाँ सर। और ये रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर था ऊपर लिखे थे तो ये ईआर कैप। और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर था तो ये ईटी कैप हो गया। समझ गया सर, थैंक यू सर। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर तो डी ओमेगा बाय डीटी अल्फा होता है ना? हाँ अल्फा होता है। ओके सर। Thank you.
हो गया। हो गया। यस सर। यस सर। पता नहीं तुम लोग मेरा इंतजार करते हो पूछने का। ठीक है चलो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। सबसे पहला चीज जो समझ में आया कि सर्कुलर मोशन में तीन टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। सबसे पहला जिसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज वी बाय आर, तो इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। एक ही बात है। यस सर। अच्छा, तो ये होता है एक एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन किधर होता है? रेडियली इनवर्ड। इसका डायरेक्शन होता है रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब है टुवर्ड सेंटर। ठीक है। दूसरा एक्सेलरेशन होता है जिसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आर अल्फा के बराबर होती है, है ना? यस सर। और इसका डायरेक्शन होता है अलोंग टेंजेंट। तो अलोंग टेंजेंट का मतलब हो गया अलोंग वेलोसिटी नहीं, या तो वेलोसिटी के अलोंग या उसके अपोजिट, दोनों हो सकता है। ठीक है। और थर्ड होता है टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो रेडियल और टेंजेंशियल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना? यस। रेडियल इधर होगा, टेंजेंशियल अगर इधर होगा, तो ये हो गया मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में कहीं भी रहे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगा। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का अंडर रूट होगा। यस सर। दैट इज वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस आर अल्फा का स्क्वायर, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन होगा। होगा? यस सर। ये तीन टर्म समझे? तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर, 2 मिनट। डन सर। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यस सर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मास एम इनटू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस आर टी कैप। मतलब ये हो गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप प्लस एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन et cap। ऐसा हो गया। ये हो गया। यस। तो देखोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। तो ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये कंपलसरी नहीं है। है ना? यस। ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ये जब जीरो हो जाएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट को अगर देखोगे तो अगर मोशन है तो कुछ स्पीड तो होगा। यस। तो ओमेगा इज वी बाई आर, वी कुछ हो तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है ना? नहीं सर। ये कभी, ये अगर जीरो हो गया मतलब मोशन हो ही नहीं रहा है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, दूसरा वाला कौन? तो यहां से हम लोगों को दिख रहा होगा कि सर्कुलर मोशन का एक डेफिनेशन मिल गया। डेफिनेशन ये मिल गया कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि उसमें उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर हो, तभी सर्कुलर मोशन होगा। है ना? बोलो। यस सर। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट there exists a force perpendicular to
its velocity then particle will undergo circular motion and the force is called centripetal force. तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी ए स्क्वायर बाई आर के बराबर, या इसी को हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर भी कह सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू इसके बराबर है, तभी वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा सकता है। आया समझ में? तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट अ फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन ओनली ऑब्जेक्ट विल एंटर गो सर्कुलर पाथ। कोई दिक्कत? Yes. Nice. कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया? दो मिनट सर।
हो गया सर। हो गया यस सर। देखो ये मत कंफ्यूज करो कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहेगा, नहीं, एटलीस्ट अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बाकी और भी फोर्सेस हो सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनो, इस बात को समझने के लिए तीन सिंपल केसेस देखो, शायद आप समझ लो। जैसे इसमें समझो, कि अगर रिजल्टेंट फोर्स इधर ही है, ये हमारा फोर्स है और ये हमारा वेलोसिटी है, तो इसमें देखो नेट फोर्स केवल इधर है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं लाएगा, है ना। तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो होगा, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकेंड केस में देखो, यही अगर ऐसा है कि ये हो गया वेलोसिटी और फोर्स अगर मान लो ऐसा है, ये है फोर्स, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट होगा, होगा ना। यस। तो इस केस में अल्फा जीरो नहीं होगा, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के अलोंग ही है तो स्पीड इंक्रीज करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड कुछ ऐसा होगा, होगा। यस सर। यही अगर मान लीजिए ऐसा है कि सपोज ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया सेंटर और थोड़ी देर के लिए मान लो इस मोमेंट पर यह है फोर्स वेक्टर, तो देखोगे इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल
और एक टेंजेंशियल ऐसा होगा? यस सर। तो ये टेंजेंशियल फोर्स इसके स्पीड को डिक्रीज करेगा, तो ये भी होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। विथ डिक्रीज स्पीड मैं इसलिए बताया क्योंकि सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन के बाद जाने अनजाने दिमाग में ये बैठ जाता है कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसा नहीं है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा जरूरी नहीं है। हाँ, फोर्स का एटलीस्ट एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। जल्दी से ये तीनों केसेस कॉपी कर लीजिए। सर वो एरोज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए है ना? हाँ, हो गया? हो
हो गया सर, हो गया सबका। आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखो सर्कुलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स के। इस एग्जाम्पल के पीछे मेरा पर्पस है कि आपको ये समझ में आए कि दुनिया में जहां भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स जरूर है, आपको दिखाई दे या आपको दिखाई नहीं दे। जैसे बोलो, तुम लोग कोई एग्जाम्पल बोलो सर्कुलर मोशन का जो देखा हो, केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने सिखाया होगा ना। हाँ सर। यस सर। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ रहता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे केस में ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। तो कूलम्स लॉ बचपन में पढ़े होंगे, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा ये इलेक्ट्रॉन के मोशन का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे है तो उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। याद है ये होता था के क्यू वन क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको याद होगा तो इस डेरिवेशन में सर ने भी क्या किया होगा, ये जो है ना देखो कुछ ऐसा किया होगा K that is 1 by 4 pi epsilon not ऐसा कुछ लिखा होगा सर ने, Q1 that is E, Q2 that is Z into E upon R square, और सर ने इसको mv square by R से इक्वेट किया होगा। याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर के शुरू में सर ने कुछ किया होगा ऐसा? यस सर। यस सर। तो यही रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स जो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है वो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देता है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं, जस्ट एग्जांपल दिया, आप पढ़ चुके हो इसके लिए। दूसरा जैसे कोई भी प्लैनेट सन, हाँ जैसे सन के अराउंड कोई प्लैनेट मूव करता है तो उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देता है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। हाँ, तो सपोज मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ये अगर देखोगे तो इसमें क्या है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। जैसे ये हो गया मेरा सन और ये हो गया मेरा प्लैनेट और ये डिस्टेंस हो गया आर, तो
इस पर ग्रेविटेशनल हाँ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन आर स्क्वायर यही होगा एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज मास ऑफ प्लेनेट इंटू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर यस सर मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ना यस सर सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स क्लियर है मतलब जहां भी सर्कुलर मोशन है सेंट्रिपिटल फोर्स जरूर है ये आपके दिमाग में घुसाना मेरा पर्पस है थर्ड अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से बांध के रोटेट करो टेंशन हाँ जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कोनिकल पेंडुलम कहते हैं यस सर स्टोन को ऐसे समझो एक पत्थर को बांध के अगर मान लो ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का लेंथ एल है ये एंगल हो गया थीटा ये हो गया रेडियस आर तो इस सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम इस पर तो दो ही फोर्स लगेगा एक इसका खुद का वेट एम जी नीचे और दूसरा स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर यही दो बातें होंगी ना यस सर तो देखोगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है तो टी का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा और टी का दूसरा कंपोनेंट टी साइन थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा Yes, sir. So, T cos theta mg और T sin theta required centripetal force देगा that is m omega square r होगा yes और तीसरा इस ट्रायंगल में देखोगे तो जो रेडियस r है वो l sin theta के बराबर होगा तो जो भी पूछे निकाल सकते हैं कहने का मतलब इसमें देखो इस एग्जांपल में एक फोर्स है जिस फोर्स का एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है आई बात समझ में तो आपके दिमाग से ये निकल जाए कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होता है ऐसा नहीं है डिपेंड करता है सर्कुलर मोशन कैसा है हाँ एक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जरूर होगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे दूसरा ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उसी में कोई सेंट्रीपिटल नेचर का होता है ना जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं
सर आपने 1/4 पाई के बाद क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट। हो गया? दो मिनट सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए और जिसका हो जाए जाते जाइए। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में इसके बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। छोटा मोटा काइनेमेटिक वेरिएबल जो सर्कुलर मोशन के हैं उसके एक असाइनमेंट और होमवर्क मैं दे देता हूँ। अगली क्लास में इसके मोस्टली हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो जिसका जिसका हो जाए निकलते जाइए। मैं हाँ रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।